guys, very good morning. Good morning, everyone. Good morning to all of you guys. Good morning, Priya, Shivani, baby girl. Kya baat hai, Juhi, Nishi, Dipali, Elon Musk, Ghazala, Yuvraj, Lakshmi. Okay, good morning, guys. Good morning, everyone. Kya baat hai. तो बता दीजिए एक बार, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? एक बार फटाफट से चेक करवा दें एवरीवन, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है क्या? तो बता दें सभी का, सेशन को स्टार्ट करते हैं. ओके गाइस, तो आज जो हम लोग बात करेंगे सेशन में, वो बात करेंगे रिगार्डिंग द लेवल्स ऑफ टीचिंग. क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वाले सेशन में स्टार्ट किया था बट हो नहीं पाया था टाइम की वजह से. तो लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. सभी लाइव आ जाएं, और जो लाइव आ चुके हैं अपने दोस्तों को भी गाइस फटाफट से लाइव बुला लीजिए, ताकि हम लोग जो है सेशन को स्टार्ट कर सकें. ओके, ऑल क्लियर? ओके, उत्तम कुमार जी क्लियर है. ओके, तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं. तो मेरा नाम पूजा वर्मा है, और डेली आप लोगों के लिए मैं क्लास लेके आती हूँ. डेली नहीं होती है, ऑल्टरनेट डे होती है. अब आपकी क्लास 8 AM पे, ठीक है, मॉर्निंग 8 AM पे होती है. और ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, वीक में 3 दिन हमारी क्लास होती है टीचिंग एप्टीट्यूड की, सुबह 8 बजे. तो टाइमली ज्वाइन किया कर. इसके अलावा डेली क्लास होती है, फ्री लाइव क्लास, जो कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे होती है. और ये क्लास होती है इवनिंग में आपकी 8 PM पे. इवनिंग 8 PM ये आपकी क्लास होती है, डेली होती है, फ्री क्लास होती है आप लोगों के लिए, ठीक है. तो इसे काइंडली ज्वाइन किया करें. इसके अलावा जो है इसका क्लास का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से नोटिफाई भी कर लीजिएगा. आज स्पेशल सैटरडे आप लोगों के लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज की गई है, 9 बजे और 9 AM इस क्लास के जस्ट बाद एक क्लास है आपके अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, जहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट जो है मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करने जा रही हूँ. मिनी मॉक टेस्ट है, इसे जरूर दीजिएगा. इसका लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. और इवनिंग क्लास है, जहाँ पे हम लोग लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो है, कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस करेंगे विद क्वेश्चन, ठीक है, विद MCQs. तो वो वाली क्लास भी ले लीजिएगा 8 PM में. दोनों क्लासेस का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से नोटिफाई भी कर लीजिएगा. इसके अलावा अनअकैडमी की जो मेरी प्रोफाइल है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं. और इसके साथ साथ 10 मई से, मंडे से मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी प्लस पे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को लेके मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है. अगर आप अच्छे तरीके से नोट्स बनाना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, साथ ही साथ जो है कंप्लीट कोर्स अगर आप इंश्योर करना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं प्लस पे, जहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाती हूँ. मेरे जो ऑलरेडी कोर्सेज हो चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे, और अभी मेरा ब्रांड न्यू कोर्स स्टार्ट हो रहा है प्लस पे, PUJ10, ये मेरा रेफर कोड है. 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं. प्लस एंड आइकॉनिक जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहे ले सकते हैं. कॉम्बैक्ट आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है, काफी सारे बैच कोर्सेज, रिविजन कोर्सेज, स्कॉलरशिप प्रोग्राम सब आपके लिए लेके आए जाते हैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे. तो फटाफट से अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर ले. अपना गोल आपको सेलेक्ट करना है, NTUGC से है. और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको जाना है गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन पे, और जो भी ड्यूरेशन पैक आपको चूज करना है चूज करें. सबसे बेस्ट 12 और 24 है, बट 6 महीने से कम का पैक कोई भी लॉजिकल नहीं है, क्योंकि 1 और 3 महीने में कोई भी कोर्स आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ना तो रिकॉर्डेड ही कंप्लीट देख पाएंगे, ना ही जो है आप लाइव क्लासेस का जो है कंप्लीट कर पाएंगे. तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा हैव अ रेफरल कोड, और इस तरीके का गिफ्ट बॉक्स आपको नजर आएगा. तो यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करेंगे PUJA10 कोड, आपको 10% इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा. आइकॉनिक पे अगर आप जाना चाहें तो आइकॉनिक पे भी जा सकते हैं. EMI ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, डेबिट क्रेडिट दोनों कार्ड के थ्रू, नो कॉस्ट EMI के साथ. ओ, क्या बात हो गई. चलिए तो लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में मेरी बात करनी है. ओके गाइस, आई होप सो सभी की बातें बातें हो चुकी है. नाउ स्टॉप टॉकिंग और कंसंट्रेट ऑन द क्लास.
तो काफी सारे टॉपिक्स हम लोगों ने देख लिए थे। हम लोगों ने जो है मॉडल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस कर लिया था, पैडागॉजिकल और एंड्रागॉजिकल दो मॉडल्स होते हैं, क्या क्या मेजर शिफ्ट हो गए हैं अभी करंट, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए या करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो किस तरीके से हम पैडागॉजी, ठीक है, टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड की तरफ हम लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं, तो ये हम लोगों ने देखा था। फॉर्म्स क्या क्या होती है टीचिंग की, टीचिंग के फॉर्म्स मतलब किस तरीके की से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन का मतलब है कि शिक्षा जो है किस किस तरीके से अर्जित की जा सकती है, जैसे आप फॉर्मली, ठीक है, फॉर्मल तरीके से होती है, इनफॉर्मल भी होती है, नॉन फॉर्मल, दोनों तरीके से मतलब तीनों तरीके से क्या की जाती है शिक्षा को अर्जित किया जा सकता है। इसके बाद हमारे आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन के बारे में हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन कर लिया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था दैट इज द लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, लेवल्स ऑफ टीचिंग वाले टॉपिक पे हम लोग आ चुके थे। देखिए गाइस, लेवल्स ऑफ टीचिंग पे बात करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आप इसे किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने शिक्षा ली होगी तो आपको ही पता है कि एक लेवल से हम लोग चले थे, ठीक है, हमें सबसे पहले प्राइमरी स्कूल में ही जाना होता है, मतलब प्राइमरी क्लासेस ही ज्वाइन करनी पड़ती है, ऐसा तो यानी डायरेक्टली हम लोग 10th स्टैंडर्ड में आ गए थे, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग जो है पीएचडी में चले गए, ऐसा कुछ तो नहीं होता ना, हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। तो वही होता है लेवल्स ऑफ टीचिंग, हर एक लेवल को हमें क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है, और जो हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है वहां तक हमें पहुंचना होता है, मतलब लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक हमें क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, यही होता है हमारी लेवल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो हमारी टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था, टीचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव था हमारा, फटाफट से बताएंगे सभी, मेन ऑब्जेक्टिव जो था हमारी टीचिंग का वो क्या था, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर ही था, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर या फिर डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना, ठीक है, दीज आर द टू मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। अब एक बात बताइए, किसी के बिहेवियर को मॉडिफाई करना या किसी की पर्सनैलिटी को बनाना, क्या अचानक से मतलब एक दिन का काम है क्या, क्या एक साल का काम है, भाई ये पूरी थ्रू आउट योर लाइफ ये चलता रहता है, आपकी लाइफ, आपका बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी जो है थ्रू आउट चलती रहती है, मॉडिफाई होती रहती है समय के अनुसार। तो उसी को मॉडिफाई, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए या बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए टीचिंग के कुछ एक लेवल्स होते हैं जिन्हें हमें एज इट इज क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, एज इट इज हमें जो है चलना पड़ता है उसके ऊपर, उसे फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा लेवल था दैट इज द मेमोरी लेवल, फिर थॉटलेस टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, इन पॉइंट्स को आपको एज इट इज अपने माइंड में रखना है। मेमोरी लेवल पे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल पे क्या होता है, तो इसे थॉटलेस टीचिंग कहा जाता है, और अंडरस्टैंडिंग लेवल को थॉटफुल टीचिंग के नाम से जाना जाता है, और रिफ्लेक्टिव लेवल को अपर थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से आपके जाना जाता है। तो ये तीन मेजर लेवल्स होते हैं टीचिंग के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मेमोरी लेवल होता है ना, ये लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है, लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, यहाँ से कोई भी टीचिंग जो है वो आपकी स्टार्ट होती है, ये सबसे लो लेवल होता है, यहीं से क्या किया जाता है, शिक्षण प्रदान किया जाता है, ये पहला कदम होता है शिक्षण की तरफ। उसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल, उसके बाद हमारा क्या आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आता है जो कि हाईएस्ट लेवल का होता है, मतलब जो सबसे लास्ट वाला जो लेवल होता है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ये शिक्षा का सबसे हाई लेवल का जो है शिक्षण यहाँ पे हमें प्रदान होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल। ये सबसे हाईएस्ट लेवल पे क्या होती है, हमें यहाँ पे शिक्षा प्रदान होती है, दिस इज द हाईएस्ट लेवल। अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का जो सफर है वो कैसे तय किया जाता है, और किस कदम पे या किस लेवल पे क्या जो है लर्नर्स को प्रदान किया जाता है, लर्नर्स को दिया जाता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जो है चलने वाले हैं। क्लियर है गाइस, फटाफट से बताइए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, चलिए तो
फर्स्ट एंड द थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग, ये सबसे पहली और थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग है हमारी, ठीक है। इट इज कंसर्न विद मेमोरी और मेंटल एबिलिटी, यहाँ पे मेमोरी और मेंटल एबिलिटी पे ध्यान रखा जाता है, मतलब फोकस किया जाता है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस लेवल ऑफ टीचिंग में, आपसे मैं क्वेश्चन पुट कर रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है कि किस लेवल पे मेमोरी और मेंटल एबिलिटी पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, या कॉग्निशन को डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कॉग्निशन पे ध्यान दिया जाता है, कॉग्निशन हमारी जो है मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है, कॉग्निशन पे ध्यान दिया जाता है। तो ये कहाँ पे दिया जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, किसमें दिया जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में दिया जाता है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के द्वारा दिया गया है, वेरी गुड गाइस, ओहो क्या बात हो गई। तो यहाँ पे गाइस फटाफट से बताएंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है किसके द्वारा दिया गया है, क्या लिखेंगे, ये मॉरिसन के द्वारा दिया गया है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो दिया गया है मॉरिसन के द्वारा दिया गया है। अरे अरे वन सेकेंड, ये लेवल आपके हर्टबर्ड के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, हर्टबर्ड के द्वारा गया, मॉरिसन ने तो अंडरस्टैंडिंग दिया, वन सेकेंड, हाँ ये यहाँ पे नहीं है, ये जो लेवल है ये किसके द्वारा दिया गया है, ये आपके हर्टबर्ड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। दिस लेवल इज गिवन बाय हर्टबर्ड, ठीक है। ये जो है ये लेवल जो है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है हर्टबर्ड के द्वारा दिया गया है, चलिए चलिए आगे चलते। अरे नहीं भाई देखो मजे आ जाते हैं बच्चों को, जैसे ही टीचर से गलती होती है सबको मजे आ जाते हैं। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, मजे करिए, बस मजे ही करने हैं हमें, ओके। तो चलो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में लोग बात कर रहे थे, तो ये किससे रिलेटेड होते हैं, इसे थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है, और ये हमारी मेमोरी और मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है जो कि हमारे कॉग्निशन को डेवलप करता है, ठीक है। कॉग्निशन से रिलेटेड होता है, मेमोरी से रिलेटेड होता है, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड होता है, किसी भी नाम से इसे जाना जा सकता है। दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बींग्स, तो किसके अंदर, सभी लिविंग बींग्स में क्या होता है, आपके एग्जिस्ट होता है। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसर्न्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। एट दिस लेवल द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल, स्टूडेंट ओनली क्रैम द फैक्ट्स इंफॉर्मेशन फॉर्मूलाज एंड लॉज दैट आर टॉट टू देम, द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द इंफॉर्मेशन फॉर्मूलाज लॉज दैट आर टॉट टू देम एंड द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोट, ठीक है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आपको रोट लर्निंग करवाई जाती है, क्या करवाई जाती है, रोट लर्निंग पे यहाँ पे आपके फोकस किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको रोट लर्निंग करवाई जाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब हम प्राइमरी स्कूल्स में जाते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो हमें जो है आपको पता है अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, टेबल सिखाई जाती है, काउंटिंग सिखाई जाती है, तो हमें उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं पता है, हमें कोई भी लॉजिक उनका नहीं पता है, बट हम उनको क्या करते हैं एज इट इज, जैसे टीचर हमारे रिपीट करते हैं उनको एज इट इज हम क्या करते हैं मेमोराइज करते हैं और उन्हें रट लेते हैं, ठीक है। रोट लर्निंग यहाँ पे करवाई जाती है, यहाँ पे आपको उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग क्या है, इससे आपको कोई भी जो है लेना देना नहीं होता है, आप क्या करते हैं सिंपली चीजों को रटते हैं, ठीक है। और वो आप अपनी मेमोरी के अंदर परमानेंट मेमोरी के अंदर हम क्या कर लेते हैं उसे फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एट दिस लेवल द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल, यहाँ पे थिंकिंग एबिलिटी जो है वो कोई भी रोल प्ले नहीं करती है, आपकी सोच आपकी समझ यहाँ पे कोई भी एक्टिव रोल प्ले नहीं करता है। ये कुछ एक पॉइंट्स है गाइस जो आपको ध्यान में रखना है,
मेन मेन पॉइंट्स जो है मैं आपको बता दूंगी यहाँ पे। सबसे पहले इसको रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी मेन पॉइंट्स हैं वो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। दैट आर टॉट टू देम द टीचिंग इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोल, द रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट। यहाँ पे इस लेवल ऑफ टीचिंग में जो टीचर का रोल होता है वो कैसा होता है, प्रोमिनेंट होता है। एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट इज द सेकेंडरी, और जो स्टूडेंट होता है उसका रोल कैसा होता है, सेकेंडरी रोल होता है स्टूडेंट का। The study material is organized and pre-planned. जो भी study material होता है वो क्या होता है, organized होता है और pre-planned होता है। जो भी आपको पढ़ाना है, जैसे आज आपको counting सिखानी, तो वो pre-planned होता है, पूरा syllabus आपके लिए तैयार होता है। उसी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है कि भाई सबसे पहले आपको जो alphabet सिखाने हैं, देन काउंटिंग सिखानी है। हमारी क्लासेस लगती है, सभी को पता है, सभी को याद है अच्छे से। तो बस वही फ्लो क्या होता है यहाँ पे भी फॉलो किया जाता है, मतलब ये वही लेवल है। The teacher presents the study material in a sequential order. ठीक है, टीचर क्या करते हैं, sequential order में जो study material है उसे present करता है। Memory level teaching lacks insight. यहाँ पे समझ की lack insight, यहाँ पे समझ की क्या होती है, आपको कमी देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पे चीजों को समझा नहीं जाता है, सिर्फ रटा भी ट्यूशन किया जाता है, ठीक है। रोट लर्निंग यहाँ पे की जाती है, इनसाइट उसके समझ, उसके परिपेक्ष या परिदृश्य को नहीं समझा जाता है। साइकोलॉजिकली इट इज कॉग्निटिव लेवल टीचिंग, साइकोलॉजिकली ये कौन सी लेवल ऑफ टीचिंग है, कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में जो है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इसके कुछ एक मेन मेन पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। चलिए मेन पॉइंट्स अंडर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के सबसे मेन पॉइंट्स क्या क्या है, तो ये हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। सबसे पहले ये किसने दिया था, किसने परफॉर्म किया था, गिवन बाय हर्बर्ट, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, ठीक है, हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। सेकेंड, ये किससे रिलेटेड होती है, रिलेटेड टू मेंटल और थिंकिंग एबिलिटी, मेंटल और थिंकिंग एबिलिटी, मेंटल और थिंकिंग एबिलिटी से रिलेटेड होता है। मतलब इन शॉर्ट ये हमारे किससे रिलेटेड है, कॉग्निशन से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, कॉग्निशन से रिलेटेड है, और इसे कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो है टीचर क्या होता है, टीचर क्या होता है, एक्टिव होता है, टीचर एक्टिव होता है, और हमारा स्टूडेंट कैसे होता है, स्टूडेंट जो है यहाँ पे आपके पैसिव होते हैं, कैसे होते हैं, पैसिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल यहाँ पे कैसा होता है, प्री प्लान और ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्री प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, प्री प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या होता है हमारे यहाँ पे, इस लेवल में और क्या किया जाता है, यहाँ पे टीचर एक्टिव, स्टूडेंट पैसिव होता है, स्टडी मटेरियल प्री प्लान्ड होता है, रोट लर्निंग यहाँ पे करवाई जाती है। कैसी लर्निंग होती है यहाँ पे, रोट लर्निंग यहाँ पे करवाई जाती है, रोट लर्निंग पे यहाँ पे क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, देखिए गाइस यहाँ पे मैं जो है मेन मेन जो पॉइंट्स है वो आपको बता रही हूँ। ये सारे मेन पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आप लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है, ये वाला लेवल ऑफ टीचिंग जो है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और एक मेन लाइन और आपको यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना है, दैट इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, लोवेस्ट लेवल ऑफ लर्निंग, लर्निंग या फिर टीचिंग। शिक्षण का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है हमारा,
मेमोरी लेवल होता है, ठीक है। लोड लर्निंग क्या होता है? देखिए वैशाली, लोड लर्निंग का मतलब होता है आपके कि रटाफिकेशन। जैसे आपको ध्यान है ना, जब हम छोटे थे बचपन में, तब हमें बताया जाता था 1 2 3 या ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय। हमें लॉजिक नहीं पता है, वाई फॉर एप्पल वाई बी फॉर बॉय, बट हमें ये अच्छी तरीके से रटे हुए है ना। सो दैट इज कॉल्ड द रोड लर्निंग। वहां पे कोई भी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्रिएट नहीं होती थी कि ए के बाद बी क्यों आता है या ए के बाद दो क्यों आता है, हमें अभी तक भी नहीं पता, ठीक है। पर वहां पे क्या किया जाता था, रोड लर्निंग, हमारी परमानेंट मेमोरी के अंदर सब चीजों को क्या कर दिया गया, फिट कर दिया गया। कैसे किया गया? रोड लर्निंग के द्वारा। एक चीज को बार 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 दोहरा दोहरा के हमने क्या कर लिया, उसे याद कर लिया है। आपसे अगर वॉवल्स पूछेंगे तो आप आराम से आंसर कर दोगे ए आई ओ यू। ये सारे हमारे क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, ये सब, मतलब स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, ये हम लोग इजीली आंसर कर सकते हैं ना। तो यही क्या होते हैं, हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंदर आते हैं, ठीक है। मतलब ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है उसके अंदर आती है। रोट लर्निंग पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। अब देखिए कुछ एक मेरिट्स हैं लर्निंग के और कुछ डीमेरिट्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। द मेरिट्स ऑफ द मेमोरी लेवल टीचिंग। मेरिट्स क्या होते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग के, वो हम लोग देखते हैं। यूजफुल फॉर चाइल्ड एट लोअर क्लासेस। जो बच्चे लोअर क्लासेस में होते हैं उनके लिए टीचिंग है बिल्कुल सही है, ठीक है। रटाफिकेशन हम लोअर लेवल पे, जैसे पोएम्स वगैरह में रटाई जाती थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो ये आज भी हमें याद है। तो लोअर लेवल के जो बच्चे होते हैं, लोअर लेवल की जो क्लासेस होती है वहां पे क्या रहता है, यूजफुल रहता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दियर इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट अंडर द डेवलपमेंट, ठीक है। उस टाइम क्या होता है, उनका जो इंटेलेक्ट होता है, जो उनका बौद्ध होता है, बौद्धिक स्तर जो होता है वहां पे वो डेवलप होता है, मतलब अंडर डेवलपमेंट होता है। अभी उसका पूर्णतः विकास नहीं हुआ है, वो अंडर डेवलपमेंट रहता है। इसीलिए उस लेवल पे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या होती है, उपयोगी होती है। द रोल ऑफ द टीचर इज इम्पोर्टेंट इन दिस लेवल। इस लेवल में जो टीचिंग का रोल, जो टीचर का रोल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। एंड इज फ्री टू मेक चॉइसेस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, प्लान इट एंड कैन प्रेजेंट इट एज वेल, ठीक है। और इस लेवल पे जो टीचर होता है उसको पूरी छूट होती है, वो जिस तरीके से जो है अपने सब्जेक्ट मैटर को प्रेजेंट करना चाहता है कर सकता है, कैसे कैसे उसे पढ़ाना है, सब कुछ कौन डिसाइड करता है, टीचर डिसाइड करता है, ठीक है। द नॉलेज अक्वायर्ड एट मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग फॉर्म अ बेस फॉर द फ्यूचर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, एमएलटी में जो पढ़ा है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में जो पढ़ा है, वही आपके आधार का कार्य करता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में वही किसका कार्य करता है, आधार का कार्य करता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में, दैट इज व्हेन स्टूडेंट इंटेलिजेंस एंड थिंकिंग इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आपके आता है मेमोरी लेवल टीचिंग एक्ट एज द फर्स्ट स्टेप फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। बिल्कुल सही है, मेमोरी लेवल पहला कदम है अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग तक पहुंचने के लिए। आप डायरेक्टली रिफ्लेक्टिव पे नहीं जा सकते, आप डायरेक्टली अंडरस्टैंडिंग पे नहीं जा सकते। आपको हर एक चीज को भाई बेस से तैयार करना पड़ता है ना, तो वही बेस क्या है आपका, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग वही बेस का क्या करता है, कार्य करता है। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मतलब मेमोरी लेवल में जो आपने पढ़ा है, समझा है, सिखाया गया है आपको, और आपने जो भी समझा है वही आपके आधार का कार्य करता है। यूएलटी और आरएलटी, मतलब अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या करता है, वो हमारे बेस का काम करता है। इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ टीचिंग। क्लियर है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग और द फर्स्ट स्टेप ऑफ टीचिंग। और गाइस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लासेस भी कंटिन्यू रहे, इट विल रियली रियली हेल्प यू। अगर क्लासेस में आप कंटिन्यू है तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। डेली मतलब हर ऑल्टरनेट डे आप लोगों के लिए मैं क्लास लेके आती हूँ। क्लास में रेगुलर रहे, रेगुलरिटी रखेंगे, देन आपको हर एक चीज क्लियर होती जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं चल रही हूँ। जीरो से मैंने जो है कोर्स आप लोगों के लिए स्टार्ट किया, जीरो से हम लोग चल रहे हैं। ओके, चलिए देखिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। डीमेरिट्स, अब देखिए इस लेवल के क्या डीमेरिट्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है। दिस डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटी।
देखिए यहाँ पे है ना स्टूडेंट के अंदर कोई कैपेबिलिटी जो है डेवलप नहीं हो पाती है। एज यू कैन सी जैसे कि आपको पता है रोट लर्निंग करवाई जा रही है, स्टूडेंट यहाँ पे कैसा होता है, पैसिव होता है। देखो यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है ना वो कैसा होता है, पैसिव होता है। कैसा होता है, पैसिव होता है। या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टूडेंट होता है उसको रोट लर्निंग करवाई जाती है, मतलब कोई भी अंडरस्टैंडिंग उसकी यहाँ पे डेवलप नहीं होती है, मतलब यहाँ पे उसकी कैपेबिलिटीज ही डेवलप नहीं होती है। तो ये लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, इससे अच्छा नहीं माना जाता है, मतलब ये इसका क्या बन जाता है, डिमेरिट बन जाता है। अच्छा तो क्या नहीं है, डिमेरिट बन जाता है, एक लूप होल इसमें आ गया है। सिंस एट दिस लेवल स्टूडेंट लर्न बाय रोट, यहाँ पे बच्चे कैसे सीखते हैं, स्टूडेंट लर्नर कैसे सीखते हैं, रोट से सीखते हैं। द नॉलेज गेन्ड डज नॉट प्रूव हेल्पफुल इन द रियल लाइफ सिचुएशन। अब भाई जो रोट लर्निंग की है उससे आप रियल लाइफ सिचुएशन प्रॉब्लम्स को डील नहीं कर सकते हैं ना, ऑब्वियसली नहीं की जा सकती। द पुपल्स आर कैप्ट इन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, यहाँ पे जितने भी शिक्षार्थी हैं उन्हें क्या रखा जाता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में। हम भी भाई बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहे हुए हैं, आपको भी पता है क्लास में आते ही हमें कैसे बैठना है, स्कूल जाना है, प्रॉपरली टाइम से जाना है, टाइम से आना है, लंच होता है, प्रॉपर क्लासेस ऑर्गेनाइज होती है, वहां पे आपको होमवर्क दिया जाता है, आपको होमवर्क करना होता है, मतलब सब कुछ स्ट्रिक्टली प्लान डिसिप्लिन होता है वहां पे, बिल्कुल सही है। एंड क्रैमिंग इज इंस्टीट्यूट ऑन दिस टीचिंग। क्रैमिंग मतलब आपको एक ही चीज क्या की जाती है, दोहराने को दी जाती है, ठीक है। और जो है यहाँ पे क्रैमिंग पे ज्यादा जोर दिया जाता है, मतलब एक ही चीज को रटने पे, रोट लर्निंग पे ज्यादा जोर दिया जाता है, शिक्षण में इतना ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। इंटेलिजेंस डज नॉट कैरी एनी इंपॉर्टेंस इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग एंड इट लैक्स मोटिवेशन, ठीक है। आप कितने ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, इसके अंदर आपका यहाँ पे कोई भी उसका रोल नहीं है। आपको जो टीचर पढ़ा रहा है, आपको जो टीचर जो है रटवा रहा है, आपको वही याद करना है। इससे क्या होता है, मोटिवेशन कम हो जाता है बच्चों के अंदर, और जो है इंटेलिजेंस का वहां पे कोई रोल नहीं होता है, बस ये बात, ठीक है। ये कुछ एक डिमेरिट्स है ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारा लेवल ऑफ टीचिंग है दैट इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसने दिया था, गिवन बाय, ये किसके द्वारा दी गई थी, मॉरिसन के द्वारा, ठीक है, ओके। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग किसके द्वारा दी गई है, मॉरिसन के द्वारा दी गई है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। और ये कौन सा लेवल होता है, ये मिडिल लेवल ऑफ जो है हमारा टीचिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है, एमएलटी यहाँ पे बेस का कार्य करता है। एमएलटी यहाँ पे किसका कार्य करता है, बेस का कार्य करता है, आधार का कार्य करता है। और एमएलटी में जो पढ़ा है उसको हम यूएलटी में अप्लाई करते हैं और हमारे इंटेलेक्ट को डेवलप करते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, इंटेलेक्ट को डेवलप किया जाता है, समझ जो है यहाँ पे हमारी विकसित होती है। यहाँ पे हमारी क्या होती है, समझ विकसित विकसित होती है। अब हम चीजों के पीछे क्या ढूंढते हैं, लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं। अब हमें जो बताया जाता है उसके पीछे हम क्या करते हैं, लॉजिक्स को यहाँ पे फाइंड आउट करने का ट्राई करते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव द मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है किसी की मीनिंग को परसीव करना, ग्रेस्प करना, द आइडिया एंड द कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग, ठीक है। कॉम्प्रीहेंड करना, जो मीनिंग होती है उसे समझना, उसे उसको मतलब अपने मन मस्तिष्क में बिठा लेना, अगर आप कहें तो। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में क्या किया जाता है, कोई भी चीज आपको सिखाई जाती है, आप उसका मीनिंग को है वो फाइंड आउट करते हैं, उस मीनिंग को आप समझने की कोशिश करते हैं और उसे आप क्या करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं अपने माइंड में, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी द मीनिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग, द मीनिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लासिफाइड एज सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट, ठीक है। अगर साइकोलॉजी या फिर हम बात करें साइकोलॉजी में या एजुकेशन के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग को कैसे डिफाइन किया गया, द टोटल यूज ऑफ फैक्ट सीइंग द रिलेशनशिप जनरलाइज्ड इनसाइट, ठीक है। जो है रिलेशनशिप को देखा जाता है और इनसाइट को क्या किया जाता है, यहाँ पे जनरलाइज किया जाता है। द टीचिंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ ए हायर क्वालिटी देन द वन एट द मेमोरी लेवल,
ठीक है, मेमोरी लेवल से एक कदम आगे क्या हो जाता है, एमएलटी से एक कदम ऊपर हमारा क्या हो जाता है, यूएलटी हो जाता है। बिल्कुल करेक्ट है, एमएलटी से एक कदम ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाता है हमारा, यूएलटी आ जाता है। सो इट इज द मोस्ट मोर यूजफुल एंड थॉटफुल फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे क्या होता है आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका खुद का एक कह सकते हैं एक राय, एक ओपिनियन क्या करते हैं आप इस्टेब्लिश करते हैं ऑफ मेंटल कैपेबिलिटी। एट दिस लेवल ऑफ टीचिंग द टीचर एक्सप्लेन द स्टूडेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल्स एंड द फैक्ट्स एंड टीच देम हाउ दिस प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाई। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको जो टीचर होता है क्या करता है, प्रिंसिपल से अवेयर करता है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल सिखाए जाते हैं, फैक्ट्स आपको बताए जाते हैं। अब इन फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स को आपको कैसे अप्लाई करना है, ये किस में सिखाया जाता है, ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में सिखाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या नहीं किया जाता, यहाँ पे आपके जो है सिर्फ रटाफिकेशन नहीं चलता, आपको जो फैक्ट्स, आपको जो प्रिंसिपल्स यहाँ पे बताए जाते हैं उनको किस तरीके से और किस सिचुएशन में कैसे अप्लाई करना है, ये भी यहाँ पे आपको क्या किया जाता है, सिखाया जाता है, बताया जाता है। क्लियर है गाइस, करेक्ट है, फटाफट से बताएंगे। और ध्यान रखिएगा अभी 9 बजे आपका मिनी मॉक टेस्ट है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, 9 बजे आपकी क्लास है, वो जरूर से ज्वाइन कर लेना। चले आगे चलते हैं। मेमोरी लेवल टीचिंग बैरियर इज एसेंशियल टू बी क्रॉस्ड फॉर दिस लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, यहाँ पे मेमोरी लेवल के जितने भी बैरियर थे ना उनको क्रॉस कर दिया जाता है यूएलटी लेवल ऑफ टीचिंग में। ओके गाइस, अगर किसी पॉइंट पे अगर आपको समझ ना आए तो फटाफट से पूछ लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि हर एक लेवल जो है ऊपर वाले लेवल का, मेमोरी लेवल जो है यूएलटी लेवल का क्या करता है, आधार का कार्य करता है, एमएलटी किसके आधार का कार्य करता है, यूएलटी का करता है, और यूएलटी जो है आरएलटी में आधार का कार्य करता है, यूएलटी जो है आरएलटी लेवल ऑफ टीचिंग के आधार का कार्य करता है। बात समझ में आ गई, यहाँ पे आपको क्या किया जाता है, यहाँ पे आपको रोट लर्निंग करवाई जाती है, उस रोट लर्निंग को यहाँ पे इस लेवल पे आप क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इस लेवल पे क्या किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, और इस लेवल पे क्या किया जाता है, जो चीज आपने अंडरस्टैंड की है उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या करते हैं आप, अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक अब हमें पहुंचना है, थर्ड लेवल जो है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, इस पे अब हमें पहुंचना है। ठीक है, टेस्ट टीचिंग एप्टीट्यूड का नहीं है शिवानी, पेपर वन जो है उसके पूरे का टेस्ट है, 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट है, 25 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट है पेपर वन का, जिसमें आपके रिसर्च, टीचिंग, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, एनवायरमेंट, कंप्यूटर और रीजनिंग सभी के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए हर एक लेवल जो है, मतलब जो आगे वाला लेवल है उसके जो आधार का कार्य करता है पीछे वाला लेवल, जैसे कि मेमोरी लेवल जो है यूएलटी का आधार का कार्य करता है, और यूएलटी जो है आरएलटी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है उसके आधार का कार्य करता है। यहाँ पे आपको रोट लर्निंग करवाई जाती है, एमएलटी लेवल पे रोट लर्निंग करवाई जाती है, रोट लर्निंग के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ विकसित होती है, और समझ विकसित करने के पश्चात आप क्या करते हैं, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मतलब यूएलटी में जो आपने सीखा है उसको आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अप्लाई करते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग चलते हैं। ठीक है, चले तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कुछ एक मेरिट्स और डिमेरिट्स है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के, उन्हें देखते हैं। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है, इसको देख लेते हैं फटाफट से। एज कम्पेयर टू द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एज ए ग्रेटर मेरिट। बिल्कुल सही,
एमएलटी से ज्यादा मेरिट किसका है? यूएलटी के अंदर है, बिल्कुल सही है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर ज्यादा ग्रेटर मेरिट से, बिल्कुल सही है। दिस अनेबल्स स्टूडेंट टू हैव कंप्लीट कमांड ओवर द सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। ये जो है यूएलटी लेवल ऑफ जो टीचिंग है, ये किसी भी स्टूडेंट को कंप्लीट कमांड देता है अपने सब्जेक्ट मटेरियल के ऊपर। इन द अंडरस्टैंडिंग लेवल द रोट लर्निंग इज मोर एक्टिव, यहाँ पे रोट लर्निंग जो रोल ऑफ द टीचर, सॉरी द रोल ऑफ द टीचर इज मोर एक्टिव, जो टीचर का रोल होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों? अब उसे स्टूडेंट को ज्यादा समझाना होता है। द स्टूडेंट एट दिस लेवल आर सेकंड एनिमी, ठीक है, अभी भी यहाँ पे सेकेंडरी रहते हैं। ध्यान रखिएगा, रोल तो यहाँ पर भी इस लेवल ऑफ टीचिंग में भी जो टीचर का रोल है वो एक्टिव होता है, जो स्टूडेंट का रोल होता है वो पैसिव होता है, ठीक है। एट दिस लेवल नो क्रेमिंग इज एनकरेज, अब यहाँ पे जो है रेटाफिकेशन नहीं करवाया जाता, जबकि यहाँ पे क्या किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग या फिर आप कह सकते हैं लॉजिक्स को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। The new knowledge acquired at this level is related to the earlier knowledge gain. ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे जो आपको नॉलेज दी जाती है, आप उस नॉलेज को अर्लियर जो आपको जो नॉलेज दी गई है उससे रिलेट करते हैं और फिर क्या करते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। जैसे आपको आपको पता है 1+1 आपको समझाया गया है 2 होता है, 1+2 आपको बताया गया है 3 होता है, तो इस तरीके से आपको बताया गया है। अब आपको बोला गया है कि आपको 4+5 को प्लस मतलब एड ऑन करना है, तो आप अपने जो प्रीवियसली आपको जो रोट लर्निंग करवाई गई है उसका उपयोग करके, उसका यूज करके आप 4+5 का सॉल्यूशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते, यही चीज क्या की जाती है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में जो है डेवलप की जाती है। अ जनरलाइजेशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट एंड द फैक्ट्स आर यूज इन द न्यू सिचुएशन, ठीक है, और आप नई नई सिचुएशन में उन फैक्ट्स को अप्लाई करते हैं। जो भी आपने काउंटिंग सीखी है, जैसे 2 × 2 = 4 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, ये आपको सिखाया गया है। तो आपसे पूछा गया कि 2 × 2 × 2 कितना होगा, तो आप क्या करते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं जो आपको पढ़ाया गया, उसको अंडरस्टैंड करके अप्लाई करते हैं, तो आप क्या दे देंगे आंसर, 8 आंसर इज द आंसर। तो ये अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं चीजों को जो है आंसर वगैरह फाइंड आउट करते हैं। फिर आपके आते हैं मेरिट्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। एट दिस लेवल टीचिंग स्टूडेंट टू मेक यूज ऑफ दियर थिंकिंग एबिलिटीज, यहाँ पे स्टूडेंट की क्या होती है, थिंकिंग एबिलिटीज जो है डेवलप होती है। नॉलेज एक्वायर्ड एट दिस लेवल फॉर्म द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ पे जो नॉलेज एक्वायर्ड हो रही है आपके अंदर वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का क्या करता है, आधार का कार्य करता है। Here the teacher present the subject matter before the student in an organized and the sequential form. ठीक है, the new knowledge acquired is related to the previously acquired knowledge. इस level पे क्या होता है, जो नॉलेज आपको अभी दी जा रही है उसको आप प्रीवियसली जितनी भी नॉलेज मिली है उससे रिलेट करते हैं और रिलेट करके क्या करते हैं, उसे अंडरस्टैंड करते हैं। Here the student do not learn by rote. यहाँ पे स्टूडेंट जो है रोट लर्निंग नहीं करते हैं, do not learn by the rote, ठीक है, here they learn by understanding the facts and information and their use and the purpose. यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, understanding जो है वो create करते हैं। Demerits के understanding level of teaching की, teaching at this level is a subject centered. यहाँ पे subject centered ही आपको पढ़ाया जाता है, मतलब real life situation से या teacher या student में कोई भी personal interaction यहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ टीचिंग इज मास्टरी एम्फेसाइज, यहाँ पे आपकी मास्टरी पे, आपको बताया ना पीजी की डिग्री कराने में, यूजी कराने में आपको फोकस किया जाता है, मतलब आपको ओवरऑल डिग्री मिल जाए इस पे आपको जो है एम्फेसाइज किया जाता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बेस का ये कार्य करता है, यूएलटी जो है आरएलटी के आधार का कार्य करता है, ठीक है। दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, इस लेवल को इंट्रोस्पेक्टिव लेवल के नाम से भी जाना जाता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग जो है उसे इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से भी जाना जाता है। रिफ्लेक्टिंग ऑन समथिंग मींस गिविंग केयरफुल थॉट टू समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट ऑल्सो मीन्स थिंकिंग डीपली अबाउट द समथिंग, ठीक है। यहाँ पे आप चीजों के बारे में क्या करते हैं, डीपली सोचते हैं और उन्हें क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें फिर अंडरस्टैंड किया जाता है। क्लियर है गाइस?
एंड गाइस प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार। ओके तो यहाँ तक क्लियर हो गया, डिमेरिट्स आपको समझ में आ गई कि क्या क्या जो है डिमेरिट्स है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है। यहाँ पे दिस लेवल इज ऑल्सो नोन एज इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसे इंट्रोस्पेक्टिव लेवल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा लेवल है दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, और ये किसके द्वारा दिया गया है, दिस इज गिवन बाय हंट। ये किसके द्वारा दिया गया है, ये हंट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तीन लेवल ऑफ टीचिंग में आज आप लोगों को करवाने वाली हूँ, और इन तीनों लेवल्स के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा लेवल जो है किसने दिया है। जैसे आपके आरएलटी लेवल जो रिफ्लेक्ट सॉरी एमएलटी लेवल मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो आपके दिया है हर्बर्ट ने, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आपके दिया है मॉरिसन ने, और जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है वो आपके दिया गया जो दिया गया है हंट के द्वारा। ठीक है, देखिए अच्छा तरीका अपने पास एक रिप्लाई आया है कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है ना ये सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है गाइस, ध्यान रखना तीनों लेवल जो है इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेमोरी अपनी बिल्डअप नहीं करोगे तो आप चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, और चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो तीनों जो लेवल से अपने अपने बिहाफ पे जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, बस आप कह सकते हैं कौन सा लोअर लेवल का है और कौन सा हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग है, ये हम कह सकते हैं। जैसे एमएलटी इज द लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एंड आरएलटी इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ये हम कह सकते हैं और ये करेक्ट भी है, बट हम ये नहीं कह सकते कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात जो है नहीं बता सकते। ओके, तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज कंसिडर्ड टू बी द हाईएस्ट लेवल एट विच द टीचर इज कैरिड आउट इट हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। ये हाईली थॉटफुल होता है और यूजफुल होता है। देखिए, आपने जो अपने बचपन में सीखा और उसको मेमोराइज किया, रोट लर्निंग किया और उसको अपने परमानेंट मेमोरी के अंदर फीड कर लिया, उसके बाद यूएलटी लेवल पे आपको जो सिखाया जाता है उसको क्या करते हो आप, जो आपको प्रीवियस नॉलेज दी गई है उससे रिलेट करते हो और अंडरस्टैंड करते हो। और जब आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाती है और आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आपके सामने आके खड़ी हो जाती है, तो जो आपने एमएलटी और यूएलटी में सीखा है उसको आप आरएलटी मतलब एक्चुअल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगा देते हैं। यही जो लेवल है यही आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। कौन सा लेवल है ये आपका, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ आपका टीचिंग है। क्लियर है गाइस? So this is the reflective level of teaching. A student can attain this level only after going through memory level and understanding level. देखिए, यहाँ तक अगर कोई student पहुँचना चाहता है तो उसे MLT and ULT level से ही गुजरना होगा। ठीक है, उसे MLT और ULT memory level और understanding level, जब ये दोनों levels को cross कर लेगा तभी वो reflective level of teaching पे क्या कर सकता है, पहुँच सकता है। टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल अनेबल्स द स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, टीचिंग जो रिफ्लेक्टिव लेवल पे करवाई जाती है वहां पे क्या किया जाता है, स्टूडेंट जो शिक्षार्थी जो होते हैं वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को क्या करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं। तो टीचिंग एट द रिफ्लेक्टिव लेवल अनेबल्स द स्टूडेंट टू सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट जो है अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग या मेमोरी में जो भी सीखा है उसको अप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात की जाए तो एट दिस लेवल द स्टूडेंट इज मेड टू फेस ए रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। यहाँ पे क्या होती है, रियल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आती है। द स्टूडेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड यूजिंग द क्रिटिकल एबिलिटीज। अब स्टूडेंट क्या करता है, जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करता है और अपनी क्रिटिकल एबिलिटीज जो भी उसके अंदर डेवलप हुई है उसको जो है
उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में क्या कर देता है, अप्लाई कर देता है। एट दिस लेवल इम्फेसाइज इज लेड ऑन द आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डिफाइनिंग इट एंड फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू इट। द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग एंड क्रिएटिव एबिलिटीज डेवलप एट दिस लेवल। यहाँ पे देखिए इस लेवल पे क्या डेवलप होता है, दिस इज इम्पोर्टेंट। द स्टूडेंट्स ओरिजिनल थिंकिंग, यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स की ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटीज जो है वो क्या होती है, डेवलप होती है। क्लियर है ना, इस लेवल पे जो स्टूडेंट है उनकी ओरिजिनल थिंकिंग और क्रिएटिव एबिलिटीज क्या होती है, यहाँ पे डेवलप होती है। द रोल ऑफ द टीचर इज डेमोक्रेटिक, मतलब यहाँ पे जो टीचर का रोल होता है वो क्या होता है, डेमोक्रेटिक होता है। और जो स्टूडेंट का रोल होता है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट होता है। द रोल ऑफ द स्टूडेंट इज क्वाइट एक्टिव, इस लेवल पे जो रोल होता है स्टूडेंट का वो कैसे होता है, एक्टिव रोल होता है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज दैट विच इज प्रॉब्लम सेंटर्ड, यहाँ पे क्या होता है रिफ्लेक्टिव लेवल वो लेवल होता है जो कि प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है, एंड द स्टूडेंट इज बिजी इन द ओरिजिनल इमेजिनेशन। और यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर, मतलब ओरिजिनल इमेजिनेशन में क्या लग जाता है, लग जाता है, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने लग जाता है, मतलब रियल लाइफ प्रॉब्लम अब यहाँ पे उसे फेस करनी होती है और ये उन्हें उनके सॉल्यूशन भी इस लेवल पे लग जाता है। ठीक है, मेरिट्स क्या है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के, ये हम लोग देख लेते हैं। द टीचिंग एट दिस लेवल इज नॉट टीचर सेंटर्ड एंड सब्जेक्ट सेंटर्ड, इट इज अ लर्नर सेंटर्ड, ये ध्यान में रखना। यहाँ पे जो टीचिंग होती है ना तो लर्नर सेंटर्ड होती है ना सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है, जबकि कैसी होती है यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड यहाँ पे जो है टीचिंग करवाई जाती है। देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द थॉट एट द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ पे क्या होता है इंटरेक्शन होता है हमारी थॉट में और एक टीचर के बीच में। ठीक है, एट दिस लेवल टीचिंग इज एप्रोप्रिएट फॉर हायर क्लासेस, हायर क्लासेस के लिए ही ये वाली टीचिंग क्या होती है, लेवल क्या होता है एप्रोप्रिएट होता है। और एट दिस लेवल टीचिंग इज हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल देन द टीचिंग एट द मेमोरी और द अंडरस्टैंडिंग लेवल, सबसे हाईली थॉटफुल लेवल होता है ये आपकी लेवल ऑफ टीचिंग में। ठीक है, डिमेरिट्स क्या होते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के, फटाफट से डिमेरिट्स की तरफ चलते हैं। तो नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल चिल्ड्रन एट द लोअर लेवल ऑफ टीचिंग, जो भी लोअर लेवल ऑफ टीचिंग पे जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है। ऑब्वियसली बच्चों को आप बोलेंगे कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, तो क्या उनका इतना मेंटल लेवल डेवलप हो चुका है, क्या इतना उनका कॉग्निशन डेवलप हो चुका है, क्या वो इतने मेंटली स्ट्रांग हो चुके हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें क्या होती है टीचर जो होता है उसकी हेल्प की क्या होती है जरूरत होती है। एट दिस लेवल द स्टडी मटेरियल इज नाइदर ऑर्गेनाइज और प्री प्लान, यहाँ पे जो स्टडी मटेरियल होता है ना तो ऑर्गेनाइज होता है ना प्री प्लान होता है। देयरफॉर स्टूडेंट कैनॉट एक्वायर सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज नॉलेज फॉर देयर स्टडी कोर्स, यहाँ पे क्या होता है कि आपको खुद से, जैसे कि आपके जितने भी अगर आप देखेंगे ये जॉब से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स है या कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे आपको खुद से थोड़ा चीजें देखनी पड़ती है। हम यहाँ पे आपको आते हैं पढ़ाते हैं, अब आपकी इच्छा है आप पढ़ना चाहते हैं नहीं पढ़ना चाहते, एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं या अननेसेसरी बातें करना चाहते हैं, जो कि अभी हमारी क्लास में बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है जैसा कि मैं देख सकती हूँ। और मतलब गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप क्यों जो है अननेसेसरली कमेंट्स को इतना हाइप दे रहे हैं, या अननेसेसरली क्यों आप किसी को इतना प्रायोरिटी दे रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आप अगर मैं पढ़ा रही हूँ तो अगर आप पढ़ना चाहते तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, काफी बच्चे हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली उन्हीं मतलब स्टडी से रिलेटेड मैसेजेस कर रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंटिन्यूसली जो है अननेसेसरली एक दूसरे को बोलने में लगे हुए हैं। पता नहीं, ये तो ऑनलाइन मीडियम है तो यहाँ पे सिर्फ मैसेजेस में बात चल रही है, अदरवाइज अगर ये ऑफलाइन होता तो मुझे लगता है कि आप लोग एक दूसरे को मतलब एक दूसरे के सर फोड़ चुके होते हैं अभी तक, मतलब इतना डिस्टर्बेंस जो है ये कॉमेंट सेक्शन में चल रहा है जैसा कि मैं देख सकती। तो यहाँ पे आप खुद जो है प्रायोरिटी डिसाइड करो ना कि आपको मुझ पे ध्यान देना है या आपको जो अननेसेसरी, देखिए कोई ना कोई रोज आएगा, कोई ना कोई ऑनलाइन मीडियम में आप किसी को भी नहीं रोक सकते हैं क्लास में आने से, ठीक है, ना ही आपके हाथ में ना ही मेरे हाथ में, बट पढ़ना और पढ़ाना
ये हमारे हाथ के अंदर है। अगर आप पढ़ना चाहते हो आप क्लास में रहिए, अगर आपको नहीं पढ़ना हो अननेसेसरली कमेंट्स पे अगर आप ध्यान देते रहोगे तो आप पूरी क्लास में उस इंसान को स्टॉप करने में लगो रहोगे, बट वो नहीं होगा गाइस। आप किसी को बोलोगे चुप हो जाओ तो क्या वो हो जाएगा, मुझे बताइए, क्या ये लॉजिकल है? मैं आपको बोलती हूँ चुप हो जाओ, एजुकेटर आपको बोल रहा है चुप हो जाओ, तो ही आप चुप नहीं होते, तो पता नहीं थर्ड पर्सन जो भी आते हैं वो कैसे चुप हो सकते हैं। ठीक है, मैं खुद देख रही हूँ इतनी देर से कि काफी बच्चे जो है वो जेन्युइनली कमेंट कर रहे हैं अपनी स्टडीज से रिगार्डिंग, और मैं अगेन एंड अगेन एक ही बात आपको कहती हूँ कि गाइस फोकस करें स्टडीज के ऊपर, क्योंकि अननेसेसरली जब कमेंट्स होते हैं तो जिनकी जेन्युइन क्वेरीज है वो यहाँ से जो है वो स्किप हो जाती है। मतलब किसी की जेन्युइन क्वेरी टॉपिक की रिगार्डिंग वो तो कोई पूछ नहीं रहा, या जिसकी आ रही है वो बेचारे की इधर उधर चली जाती है आपके अननेसेसरी कमेंट्स के अंदर। इसीलिए मैं बीच में इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, आप जो भी ये बात कर रहे थे इसके बारे में मैंने बीच कुछ भी नहीं कहा, जस्ट बिकॉज क्योंकि पढ़ाई का जो फ्लो होता है स्टडी का जो फ्लो होता है वो डिस्टर्ब होता है। ठीक है, अगर मैं कमेंट सेक्शन पे ध्यान रखूंगी तो मैं सिर्फ कमेंट सेक्शन में मतलब आप लोगों की लड़ाइयां ही सुलझाती रहूंगी, और यहाँ पे हम लोग ये करने नहीं आए हैं। अच्छे से आप लोगों की क्लासेस ऑर्गेनाइज की जा रही है, 1 आवर की हमारी क्लास होती है, फोकस करें। ये आपके ऊपर है कि आप अपनी क्लास को फ्रूटफुल बनाना चाहते हो या अननेसेसरी कमेंट्स पे वेस्ट करना चाहते हो। मैम प्लीज क्लियर कर दीजिए यूएलटी और आरएलटी किसको इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। देखिए संध्या जी, जो यूएलटी लेवल ऑफ टीचिंग है ना, ध्यान रखना, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है उसे जो है आपके इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है। देखिए मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, यहाँ पे हम लोगों ने अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग पे बात की थी। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज द इंट्रोस्पेक्टिव लेवल, इसे ही इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? टीचिंग सपोर्ट सिस्टम 1850 से 2001। ओके विकास कुमार जी, इस पे भी हम लोग पहुंचेंगे गाइस, इस पे भी पहुंचेंगे, डोंट वरी। नहीं नहीं संध्या, आरएलटी अरे इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? आत्मदर्शन होता है ना। इंट्रोस्पेक्टिव संध्या जी ये समझिए, इंट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है आत्मदर्शन। ठीक है, या फिर हम खुद की समझ को विकसित करना, आत्मदर्शन बोल दीजिए या समझ, समझ को विकसित करना। तो वो समझ जो है यूएलटी लेवल पे तो विकसित होगी, आरएलटी लेवल पे तो आप जो प्रॉब्लम रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में उसको अप्लाई कर देते हैं, तो आरएलटी तो हो ही नहीं सकता ना। आप खुद सोचिए आरएलटी कैसे हो सकता है। वैशाली, एमएलटी लेवल ऑफ टीचिंग क्या हम लोग प्राइमरी या फिफ्थ क्लास के बाद हम लोग करते हैं? नहीं देखिए आपका जो है एमएलटी जो है एमएलटी अप्रोक्सीमेटली आपका चलता है प्राइमरी लेवल तक, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी लेवल तक। उसके बाद जो है आपके अंदर यूएलटी थ्रू आउट, जब आप पीजी करते हो ना पीजी तक आपका यूएलटी चलता है, और पीजी के बाद जब आप पीएचडी में जाते हो ना वहां पे आपका आरएलटी लेवल लगता है। ठीक है, हायर लेवल जो होता है ना आप कह सकते हो यूजी के बाद से ही आपका जो है आरएलटी लेवल स्टार्ट हो जाता है। मैम आप जो पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ चाहिए? अदिति जी देखिए पीडीएफ जो है मेरी क्लासेस की अकेडमी की प्लस जो ऐप पे जो प्लस क्लासेस होती है वहां पे मिल जाएगी मेरी क्लासेस की पीडीएफ। ठीक है अदिति, जितेंद्र कुमार जी किस चीज का रिप्लाई करना है, मतलब क्या क्वेरी आपका? किस चीज का रिप्लाई देना है भाई जितेंद्र कुमार जी? और गाइस 9 बजे अभी आपकी क्लासेस, क्लास के जस्ट बाद अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे कंप्लीटली फ्री क्लास है, मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए मैंने ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पे 25 क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, रिसर्च टीचिंग कम्युनिकेशन रीजनिंग आईसीटी और इसके अलावा एनवायरमेंट हायर एजुकेशन सबके क्वेश्चंस जो है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए पीडीएफ जो है ना आपको या फिर स्पेशल क्लासेस की मिल जाती है या फिर प्लस की मिलती है। ठीक है,
क्वेश्चन ओहो जितेंद्र, दिस क्वेश्चन, अरे विच क्वेश्चन जितेंद्र कुमार जी, दिस क्वेश्चन मुझे नहीं पता आपका क्वेश्चन क्या है। चलिए ठीक है, सो गाइस मंडे को हम लोग जो है ना एक और टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। मंडे को टीचिंग एप्टीट्यूड के आगे वाला टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लासेस में कंटिन्यू रहे, 8 AM हमारी क्लास होती है। ट्यूजडे ध्यान रखिएगा, डेज आपको ध्यान में रखना है, ट्यूजडे थर्सडे एंड सैटरडे, 3 दिन हमारी क्लास में, 3 दिन जो है वीक में हमारी क्लास होती है। 8 AM 1 आवर की क्लास होती है और सुबह 8 बजे होती है, 3 दिन ही होती है हफ्ते के अंदर, तो तीनों दिन क्लासेस में टाइम से आया करें। अरे स्पेशल पे है संघमित्रा जी, स्पेशल फ्री क्लास है, 9 बजे जो क्लास है वो बिल्कुल फ्री क्लास है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लास, एंड आई होप सो क्लास अच्छी लगी हो, और प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो पे, और अननेसेसरी कॉमेंट्स पे ध्यान देने से अच्छा है गाइस क्लास पे फोकस करें और स्टडी करें। अननेसेसरी कमेंट वगैरह करने से आप अपना लाइफ का कीमती समय आप कह सकते हैं वो वेस्ट करें किसी अननोन पर्सन के लिए या किसी वेस्ट मटेरियल के लिए, तो फालतू के लोगों को एंटरटेन करने से अच्छा है फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर एजुकेटर कि आपको वो क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, उस पर फोकस करें। ठीक है, अननेसेसरी चीजों को आप छोड़ सकते हैं। आरती कुमारी जी देखिए, टीचिंग की फर्स्ट क्लास हुई थी मंडे ट्यूसडे को हुई थी, ये हमारी 4th क्लास है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको प्रीवियस सारी क्लासेस मिल जाएगी, क्योंकि इसी वीक से हमारा नया कोर्स स्टार्ट हुआ है। ट्यूसडे को फर्स्ट क्लास हुई थी, 3 क्लास ही अभी हुई है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके जो है क्लासेस को वॉच कर ले, क्लासेस को वॉच कर ले। ये हमारी 3rd ही क्लास थी आज, तो पहले वाली जो 2 क्लासेस है वो वॉच कर ले। ठीक है गाइस, चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द क्लास, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।